हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये एडिनियम का मेरा काफ़ी पुराना 4-5 साल पहले का है। ये देखिए, इसका ना सारा ये रूट रॉट हो गया, तो इसको मैंने निकाला है। ये देखिए, ये पल्पी हो गया है, तो इसको सबको क्लीन करूँगी। और अब एडिनियम का सीज़न आ रहा है, तो एडिनियम को मैं चेक कर रही थी। ये देखिए, ये भी गल गया है, ये भी गल रहा है। देखिए, यहाँ से निकल रहा है। ये रूट रॉट कहते हैं इसको। ये गल गया है, इसमें ठंड भी बहुत पड़ी है। ये देखिए, तो मैंने सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे इनको ला के रखा है। अब इनको थोड़ी दिन, एक दो दिन मैं धूप दूंगी। कल भी यहाँ ही रखा हुआ था, तो इनकी मिट्टी सारी झाड़ दी है। अब इनका पॉटिंग सॉइल भी चेंज करूँगी मैं, और इनको चेक करूँगी। एक बार ये रूट रॉट से मैं बचा चुकी हूँ इसका ऑपरेशन करके, काट के। ये देखिए, इसका कॉडेक्स नीचे से पूरा काट दिया था मैंने। अब इसमें से जो भी अफेक्टेड एरिया है, उसको काट के पेविस्टीन लगा के वो भी मैं कवर करूँगी। कैसे करूँगी? ये देखिए, कितना अच्छा कॉडेक्स सब कई जगह से गल रहा है। अच्छा, ये मैंने कुछ बेबी प्लांट्स लगाए थे, 2-3 बीन्स आई थी मेरे पौधों में। और ये देखिए, ये भी कुछ रॉट हो गए। ये देखिए, कितना पल्पी हो गया है। तो इनमें से जो बच जाएगा ठीक है, जो नहीं बचेगा उनको सबको फेंक दूंगी। ये देखिए, ये भी मेरा एक अच्छा बड़ा था, ये 1 साल पुराना, ये भी थोड़ा रॉट हो गया। इसको यहाँ से काट के दोबारा ट्राई करूँगी रिवाइव करना। इसको हो जाता है वैसे, ये वाला मैं ऐसे एक बार कर चुकी हूँ। अब ये सेकेंड ऑपरेशन होगा इसका। और दिखाती हूँ, छोटे छोटे मेरे पास बहुत सारे हैं। चलिए और देखते हैं, बाकी बच गए। ये देखिए, ये सब बेबी एडिनियम्स हैं। ये अभी कुछ महीने ओल्ड है, मैंने इसी समर्स में इसको लगाया था। तो ये सारे सब का कॉडेक्स चेक कर करके मैंने यहाँ रख दिया है। ये देखिए, ये सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने छोटे छोटे लगाए हुए। ये देखिए, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसका कॉडेक्स का के चिपका दिया है। ये बच गया है, इसको ट्विस्ट कर रही हूँ, ये ट्विस्टेड निकलेगा। ये और भी दिखाती हूँ, इनका सबका अब पूरा केयरफुली चेक हो गया है कि कोई कॉडेक्स लूज तो नहीं है। सबको चेक किया है, अब इनको धूप में रखा है। अब पानी डालूंगी इसमें, और थोड़ा बेवेस्टीन डाल दूंगी पानी में। बेवेस्टीन होता है या साफ फंगीसाइड, सिस्टमिक फंगीसाइड डालूंगी ताकि और रॉटिंग ना हो। अब ये देखिए, थोड़े बड़े वाले दिखाती हूँ। ये वाला, ये सब, इनके सबको कॉडेक्स ठीक है। ये वाले सब, ये फेब के महीने में बहुत बड़ा काम होता है एडिनियम्स का, तो ये काम शुरू हो चुका है। ये सारे देखिए, ये गले हुए हैं, ये रूट रॉट हो गई है। जो ये काला काला निकले वो रूट रॉट है, तो इसको काटते हैं जब तक ये वाइट ना निकल जाए। और ये इसको स्टेरिलाइज किया हुआ है मैंने फंगीसाइड लगा के। ये देखिए, ये भी रूट रॉट है, जहाँ जहाँ तक काला काला है सब काट दूंगी। और इसी एडिनियम का पहले भी मैं कर चुकी हूँ, ये सेकेंड टाइम इसका ऑपरेशन है। ये देखिए, ये सारी रूट्स रॉट हुई हुई है। ये देखिए, ये भी गल गया एकदम, ये भी गल गया है। जो जो गला गल रहा है सब गल दूंगी। और इसको मैंने 5-6 दिन, ये देखिए, ये तो काट देती हूँ। ये पूरा स्टेम गला हुआ है। एक ये बच गया है।
अब इसमें मैं फंगस वो ये बेफेस्टीन लगाऊंगी, ये भी गला हुआ है, इसको इसको यहाँ से काटना पड़ेगा लग रहा है। ये देखिए ये ठीक लग रहा है मेरे को, इसको काट देती हूँ यहाँ से। ये भी गला हुआ है तो इसके मतलब इसकी रूट पूरी गई, खाली ये रह गए हैं, इनको मैं लगा के देखती हूँ। ये ठीक हो गया है, ये रूट यहां से ये गल गई है पूरी। इसको छोड़ देती हूँ, ये भी छोटे छोटे लगा दूंगी। अभी इनको हटा देती हूँ। अब ये मैंने सैंड लिया है और अब ये बेवेस्टीन का मैंने थोड़ा सा इसको इसमें बेवेस्टीन लगा दूंगी थोड़ा सा। इसको थोड़े दिन ऐसे छोड़ दूंगी और फिर इसके बाद में इसमें मैं धूप में रखने के बाद जब ये और थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब इसको दोबारा रूटिंग करूंगी। अब मैंने ये इसको फंगीसाइड लगा के ये देखिए ये यहाँ पर सब ड्राई हो गया एकदम। अब यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी। सब में लगाया हुआ था और इसको धूप में रख दिया था, ये सारे हो गए तैयार। अब मैं इनको निकाल के ये यहाँ पर पॉटिंग मिक्स मैंने क्या लिए, पॉटिंग मिक्स मैंने 1/3 ये मैक्सिमम लिया है, रेत मैक्सिमम लिया है। तो अगर चार पार्ट देखें तो एक ये और दो ये है, ये बहुत बहुत सारा है ताकि ये वेल ड्रेन्ड रहे। तो और इसमें नीचे मैंने थोड़ा सा सिंपल लकड़ी का कोयला लिया है, ये एक्स्ट्रा पानी भी सोख लेता है, कई बार इसमें कुछ फंगल वंगल वो अटैक्स होते हैं वो भी इसमें रुक जाते हैं। और ये मैंने फंगीसाइड थोड़ा लगाया हुआ है। तो अब इसकी पॉटिंग शुरू करते हैं मिक्स करके। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये सैंड है और ये सिंपल गार्डन सॉइल है। हाँ ये अब भरते हैं इसको। अब बस इसको मैं आज थोड़ा यह इसमें सॉइल में रहेगा, शाम को इसमें पानी डालूंगी थोड़ा फंगीसाइड डालने के बाद, बस इसकी पॉटिंग हो गई है। अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, पानी में मैंने फंगीसाइड डाला है और इसमें अभी कोई फर्टिलाइज करने की खास जरूरत नहीं है, इसमें रूटिंग के लिए वेट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो
एडिनियम जब पल्पी कॉडेक्स हो जाता है, रूट रॉट शुरू हो जाता है, तो कैसे उसको रिमूव करके रिपॉट करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।